बट उसके साथ साथ मैंने जैसा कि बोला था एक जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो जगह है ये वो जिम, हम आ चुके हैं लिंक रोड पे, ये है वो जिम, आप सभी लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। सर कैसे हो? ओल्ड स्कूल के फादर, इस पिन को निकालो और बड़ी हो गया एडजस्ट, मतलब शिट यार। आपको याद है बराबर के प्लॉट में कंपटीशन हुआ था जिम का, जब आपने मुझे बोला पहली बार यतिंद्र यहाँ कंपटीशन खेलना है, अगर आप ज़्यादा जर्क मारोगे तो ये केबल जो है वो हिलने लगती है, कि चाबी हमेशा यहाँ होती थी। सर जब भी नमाज पढ़ के आते थे तो सर आते थे मेरी तरफ और जो है इसकी एडजस्टमेंट देखो तुम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक नई सुबह और एक नई वीडियो, और आप गेस कर पा रहे हो तो पीछे देख के, यस हम रुके हैं मिडवे पर। और मिडवे पर हम कब रुकते हैं? जब हम जाते हैं देहरादून। बट आज देहरादून नहीं जाएंगे, आज गाड़ी जाएगी सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर, वाह, मेरे घर पे। और सहारनपुर इसीलिए क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिसने यतिंद्र सिंह को बॉडी बिल्डर बनने में बहुत मदद की है, और एक जगह भी आपको दिखाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत उसी जगह से की। मुझे लगा मुझे आप सभी लोगों को वो दिखानी चाहिए, इसलिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। सफ़र में हमारे साथ बने रहना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए चलते हैं। तेरे दी कीमत तेरे पीछे गिनने फिर दे चढ़े। तो समझ रहे हो काका क्या कहने की कोशिश कर रहा है। काका ने एक गाने में इतने इमोशन डाल दिए ना, जबरदस्त। अगर एक्चुअली में पंजाबी गाने लैंग्वेज समझ में आ जाए ना एक बार वर्ड टू वर्ड कि क्या बोल रहा है, तो भाई काका कमाल कर दिए। मतलब तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि हम जा रहे हैं सहारनपुर। अब सहारनपुर आने का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिसने मुझे लोहा पकड़ना सिखाया, डंबल पकड़ने सिखाए, रॉड पकड़नी सिखाई, और वो सीखने के साथ साथ मैंने अपने आप को और निखारने की कोशिश की। बट उसके साथ साथ मैंने जैसा कि बोला था एक जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वो जगह है ये वो जिम, और इस जिम का इंट्रोडक्शन मैं ऐसे देना चाहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जिम है जहाँ पे आके मैंने पहले दिन सर से वो सवाल किया था कि सर मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है और थोड़ी सी बॉडी बनानी है, थोड़ी बॉडी बनानी है, ज़्यादा बॉडी नहीं बनानी। अब आप ये जिम देख सकते हो, मतलब आई डोंट थिंक सो आप में से कितने लोगों ने ऐसा जिम पहले देखा होगा। जिन्होंने देखा है और ऐसे जिम में एक्सरसाइज की है वो खुश नसीब है मेरे जैसे। बट आज भी वही लोहे की प्लेट्स हैं, वही लोहे की आवाज़, वही रॉड्स, और ये शीशा देख लो। तो ये शीशा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे उठाते ही, जहाँ मशीन है वहाँ शीशा ले गए, उसको रखा और वर्कआउट किया। तो ये पूरा वो जिम है, अब क्योंकि शाम को मुझे इवेंट में जाना है और मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा, और वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी हो वर्कआउट मिस ना हो, और मैं तो इतना खुश नसीब हूँ आज उसी जिम में वर्कआउट करूँगा जहाँ मैंने शुरू किया था। और इस मशीन को देख लो यार एक बार, आई लव दिस, मतलब प्यार हो गया इससे मुझे। और ये मशीन की उम्र पता कितनी है? 41 साल, यानी ये मशीन 41 साल पुरानी है, मेरे से 2 साल बड़ी है। और ये मेरी तब के टाइम की वन ऑफ दी फेवरेट एक्सरसाइज है। अब आप समझोगे इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी,
तो सबसे पहले तो लो जी, वेट, आई थिंक काफ़ी रहेगा। अब जो अपने इच्छा अनुसार वेट लगा लिया और थोड़ा सा, अरे हाँ ये पर्ली साइड भी तो निकलनी चाहिए, हाँ ये लग गया। अब वायर भी देखनी है, पुली पे है या नहीं है। वायर पुली पे है, नीचे वाली वायर पुली पे है। और ये डंबल इसीलिए है कि अगर वेट उधर ज़्यादा होगा तो मशीन पलट ना जाए। बैठ जाओ आराम से। लो जी, बैठ गए। और ये अभी फ्री है, इसको पुली के नीचे लगाओ एंड लेट्स डू इट रोइंग। सिक्स सेवन एट। और इसका पता क्या तरीका है, इसमें जर्क नहीं मार सकते। अगर आप ज़्यादा जर्क मारोगे तो ये केबल जो है वो हिलने लगती है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको बहुत स्लोली करना पड़ता है। और ऐसे करने से एक बेनिफिट और भी है, क्योंकि आप जर्क नहीं मार सकते तो आपका मसल जो है वो अच्छे से स्क्वीज होता है। नाइस। और ये जो ये साउंड है ना, ये अब मोस्टली जिमों में नहीं मिलती आपको, बट ये साउंड आपको अलर्ट रखती है कि आप आयरन से वर्कआउट कर रहे हो। और उस टाइम की मुझे याद है बात कि म्यूज़िक यहाँ पे अलाउड नहीं है, सो देर विल बी नो म्यूज़िक सिस्टम इन द जिम। जिम में कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है और नॉर आप अपने ईयरफोन लगा के यहाँ गाने नहीं सुन सकते, नॉट अलाउड। कि सर का कहना यह है कि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्कआउट, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि शाम को लाइट चली जाती थी तो मैं, बिलीव मी, मैं घर से कैंडल्स लेके आता था, मोमबत्ती। मुझे पता था कि 8 बजे मैं जिम जाऊंगा, वहाँ पर लाइट नहीं होगी तो देर विल बी नो इन्वर्टर, नो लाइट, नथिंग, कैंडल आओ लगाओ। और मुझे याद है मैं यहाँ पर लगाता था यार, तो जैसे मुझे यहाँ पर वर्कआउट करना है, यहाँ सामने खड़े होकर मैं एक कैंडल यहाँ और एक यहाँ, दो कैंडल यहाँ लगा देता था और अपने यहाँ पे खड़े होकर वर्कआउट करता था। कैसे दिन थे। और सर उसमें भी बोल देते थे कि बेटा ज़्यादा कैंडल नहीं, एक कैंडल से काम चलाओ, वेस्टेज। और ये तभी की बार, तभी की रॉड है ये। और ये मेरा फेवरेट शीशा है क्योंकि ये तभी का है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये मूवेबल है, तो आप इसको मूव कर सकते हो। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ कि आप इसको कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें वर्कआउट करनी हो। एंड हम अपने टाइम में यहाँ पे चिनअप करते थे, तो अपना स्टूल लगाया और यहाँ पर हम चिनअप करते थे। आज भी वही क्या एहसास है ना। और सर बोल, मैंने कहा सर आज बैक की वर्कआउट करना है तो क्या करना है। सर बोलते थे चिनअप कर लो, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर सर बोलते थे कितने, मैंने कहा जी कितने, 200 कर लो। मैंने कहा 200 चिनअप के बाद बैक कौन करेगा, बट करना पड़ता था। चलो ओल्ड स्कूल। अच्छा इससे ओल्ड स्कूल तो आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है, मतलब ये तो ओल्ड, एक तो होता है ओल्ड स्कूल, आई थिंक उससे भी कोई पहले का वर्ड हो ना, ओल्ड स्कूल के फादर। सो दिस जिम इज कैन बी अ ओल्ड स्कूल जिम फादर, ओल्ड स्कूल जिम फादर। ये भी एक था कि यतेंद्र चलो ये करो,
सर इसमें क्या करना है? क्लोज क्लोज ग्रिप चिन अप। और ये भी कोई फिक्स नहीं है, तो अपनी जान अपने हाथ। सो लैट पुल डाउन की खास बात देखो, यहाँ पे पैर होल्ड करने होते हैं तो, और यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, एंड अगर आपके पैर नहीं आ पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये ध्यान से इस पिन को निकालो, इधर भी एक पिन है, इस पिन को निकालो और बड़ी हो गया एडजस्ट, अपने हाइट के हिसाब से पिन वापस डालो, ठीक है? मतलब शिट यार, दिस इज तो मतलब हैट्स ऑफ, दिस इज तो हैट्स ऑफ, एंड देयर इज नो क्वेश्चन, नथिंग। चलो नाइस, बट मशीन स्मूथ चल रही है अभी भी, और क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कोई मैसेज दूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग इस मैसेज को समझ पाएंगे, बट प्लीज़ समझना, मैं आपको यहाँ पे दो मैसेज देना चाहता हूँ। पहला एक मैसेज जो मैं एक स्टोरी के साथ देना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने भी वीडियो में देखा था किसी की स्टोरी से, कि एक टीचर था और एक स्टूडेंट था, तो वो दोनों जा रहे होते हैं, तो वो टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि एक पौधा है इसको उखाड़ना, तो वो स्टूडेंट उस पौधे को उखाड़ देता है और फेंक देता है। थोड़ी आगे चलते हैं, एक 2 फुट का पेड़ आता है, टीचर अगेन स्टूडेंट को बोलता है बेटा ये पेड़ उखाड़ के फेंक दो, वो थोड़ा उसको हिलाता है और उखाड़ के फेंक देता है। थोड़ी और आगे चलते हैं, टीचर फिर स्टूडेंट से बोलता है बेटा ये पेड़ है 6 फिट का, इसको उखाड़ के फेंक दो, तो वो 6 फुट के पेड़ को ऐसे हक करके खूब हिलाता है, बट एट लास्ट उखाड़ देता है, फेंक देता है। थोड़ी आगे और चलते हैं, तो बरगद का पेड़ होता है, तो टीचर वो स्टूडेंट को बोलता है कि इसको उखाड़ना, तो वो स्टूडेंट टीचर की तरफ स्माइल करता है कि सर इसको कैसे उखाड़ पाऊँगा, इसकी तो जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो यानी आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, आपकी रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता, वन। एंड अगर आप पूछोगे मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने लोग ये बोलते हैं कि संसाधन नहीं है हमारे पास, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास सप्लीमेंट्स नहीं है, हमारे पास पर्याप्त फूड नहीं है, तो कैसे बनाएं? आई थिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 95% ऑफ यू पीपल इससे बेटर जिम में वर्कआउट अभी भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो आई थिंक कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए किसी की भी, कि पहले आप जितने भी साधन हैं कम से कम साधनों में अच्छा करने की कोशिश करो, जब आप कम साधनों में अच्छा करोगे तो आपको और संसाधन भी मिल जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं पहुंचने के लिए। अब जहां से आप शुरुआत कर रहे हो सकता है वो संसाधन कम हो, कोई बात नहीं, मैंने इस जिम में बहुत साल वर्कआउट किया है बट मेरी कभी भी कंप्लेंट नहीं थी कि इस जिम में कोई फैसिलिटी नहीं है। आज भी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है कि इस जिम में कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर वही मसल बिल्ड करने के लिए आई थिंक जो जितना पर्याप्त आयरन रॉड डंबल बेंच ज़रूरत होती है वो यहाँ पे सब कुछ है। तो आप भी ना क्रिप मत किया करो, जो तुम्हारे पास होता है उसको यूटिलाइज़ करो और आगे बढ़ो। प्रेस करने का मन कर पड़ा मोरल ऑफ द स्टोरी बताने के बाद, बट ये बेंच जो है इसकी एडजस्टमेंट देखो तुम, इसको सीटेड बनाना है हमें। तो यानी तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि तुम जिम में आए हो तो अच्छे, देखो
और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं एक शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ, तो मैं उनका परिचय ना दूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। असद नफीस सर, जिन्होंने मुझे एक्चुअली रॉड पकड़नी सिखाई। मैं पहले दिन उनके पास आया और मैंने उनसे सवाल किया, वही जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, कि सर मुझे थोड़ी सी बॉडी बनानी है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, कॉम्पिटिशन का नहीं पता, बट हाँ कपड़े पहनूँ तो अच्छा लगूँ। तो मैं सर से आप सभी लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। सर कैसे हो? तो ये असद सर हैं, जो मेरे पहले कोच हैं, और आप सभी लोगों के समक्ष बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि असद भाई से कब मिलना होगा, तो असद भाई से मिलना होगा इस वीडियो के रूबरू। सर देखो, एक अनजान ने इस जिम के थ्रू रास्ता ढूंढ लिया और आज कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट एक्चुअली रास्ता ढूंढने में आपका बहुत साथ है। तो मैं तो अनजान था और एक बिल्कुल ऐसा जिसको कुछ ज्ञान नहीं है जिम के बारे में, ना बॉडी बिल्डिंग के बारे में, ना एक्सरसाइज के बारे में, बट आपकी छत्र छाया में रहा और काफ़ी मान सम्मान मिला सर। नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा है। इसमें जो आदमी जो प्रयास करता है, कोशिशें करता है, तो वो कोशिशें जो हैं ऐसी नहीं, बल्कि उसमें तुम्हारा जो पेशन जो एक जहन में बैठा हुआ था कि मुझे कुछ करना है, और जब इसीलिए मैं कहता हूँ एवरी थिंग इज़ पॉसिबल बट ट्राई विल ट्राई अगेन, आदमी जब इरादा कर लेता है। और वो बात मैंने यतेंद्र के अंदर स्पेशल देखी। वैसे तो और बच्चों में भी सब में वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इनमें इस पर कुछ स्पेशल ये देखा कि इनके अंदर जो एक जो टैलेंट है बात को पकड़ने का, कि जो बात बता दी गई उसको फॉलो करना, तो उससे आदमी आगे बढ़ जाता है। मैं तो सच में आज आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मैं आपको आपके दिए हुए जो एक एक पल हैं वो मैं आपको लौटा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं और 2-4-10 जन्म लूँगा तब वो अगर मेरी तब भी मुझे मौका दिया जाए कि उन पलों को वापस कर दूँ तो नहीं कर सकता, बट वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैंने भरपूर प्रयास किया है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है मैं उस पर खरा उतरूँ। सच में मतलब आपके दिल से बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ मेरे टीचर थे, बट मुझे आज भी याद है कि ईद होती थी जब भी, साल में 2 बार सर के घर जाना, और मुझे ये लगता था कि जैसे सर अपने बच्चों को खाना परोसते थे, वो वेट करते थे यतेंद्र आएगा तब खाना शुरू करेंगे, बल्कि मुझे ये फील होता था कि सर के जो अपने बच्चे हैं उनको तो ये बात फील नहीं होगी, यतेंद्र कहाँ से इतना बड़ा बन गया भाई, वो आएगा तभी सबको खाना मिलेगा। बट सर आप पता नहीं ये बात याद है आपको, भूल गए, बट मैं ये ध्यान रखता था कि सबकी प्लेट में खाना जब डलता था, जब यतेंद्र आ जाता था फिर वो खाना खाते थे। जैसे आपने मेरा हाथ मुझे नहीं लगता कभी भी छोड़ा इस जिम में, जिम से बाहर में कोई इनिशियली कॉम्पिटिशन, अभी आपको याद है बराबर के प्लॉट में कंपटीशन हुआ था जिम का जब आपने मुझे बोला पहली बार यतेंद्र यहाँ कंपटीशन खेलना है, जी, जी, जी। मैंने कहा सर घर वाले थोड़ा दिक्कत करेंगे, आपने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं करते तू खेल। मैं वो कंपटीशन में जीता, फर्स्ट आया। हाँ, फिर मैंने आपको बोला सर मिस्टर सहारनपुर खेलना है, आपने मुझे बोला कि नहीं अभी तुम उतना प्रिपेयर नहीं हो, मैंने आपकी बात नहीं रखी, मैंने खेला और मैं हार गया। मेरा दिल तो ये तैयार था, मेरा जहन तो तैयार था कि तुम कंपटीशन खेलो, लेकिन मैं ये सोचता था कि कभी तुम कोई बात ऐसी फील ना हो जाए कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जीता है तुमने, कि वहाँ पर अगर सेकेंड या थर्ड प्लेस लगी तो कभी दिल में ऐसे महसूस करता है, क्योंकि कम उम्र होती है, मेच्योरिटी नहीं होती। हालाँकि जो आदमी जो लड़ता है वही बढ़ता है, चाहे वो हार जाए, हार डिफीट आदमी बाद वक्त नाकामी भी कामयाबी की तरफ ले जाती है। सर मुझे भी याद है, मैं शुरू जब जिम ज्वाइन किया तो सर जब भी नमाज़ पढ़ के आते थे तो सर आते थे मेरी तरफ और करते थे, तो एक दिन फिर मैंने सर से पूछा सर क्या, तो सर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नज़र ना लगे, क्योंकि तुम्हारी फिजिक जो है ना वो अब इम्प्रूव हो रही है, तो खुद को नहीं पता चलता था, बट सर ने कहा तुम्हारी फिजिक इम्प्रूव हो रही है तो नज़र लगेगी, तो सर मेरी नज़र भी उतारते थे, तो मतलब इतना ध्यान रखते होते। तो मैं उन सब का वही अब मैं यही बोल सकता हूँ हाथ जोड़ के कि उस फूक का, उस फूड का, उस प्रोटेक्शन का, अगर मेरे से ये चिन अब बार देख रहे हो आप, मैं सर को कहता था सर बैक करनी है,
तो वो कह रहे थे ठीक है कर लो, चिन अप कर लो। मैंने कहा जी सर कितने करने हैं? कहते 200 कर लो। मैंने कहा सर 200 करने के बाद बैक कैसे, बाकी एक्सरसाइज भी करनी है? कह रहे हाँ बाकी भी करनी है, देख लेंगे। और फिर 50-60 होते थे, आके पीछे से वेट टांग पैरों में वो वेट फंसा देते थे कि और करो। बट आई थिंक मैंने कोशिश किया कि गिव अप नहीं किया, कभी भी करता रहा। मेरे से 200 नहीं हो पाए, 100 किए, 80 किए। बट आज उसका परिणाम है कि मतलब जो फिजिक आप देख रहे हो आज, वो आज नहीं बनी एक्चुअली सर। सब लोगों को ये भी लगता है, आज यतेंद्र सिंह को देखते हैं फिजिक जो बनी है वो आज नहीं बनी, उसका स्ट्रक्चर जो है ना, उसका ढांचा इसी जिम में बना। तो आई थिंक मेरा बेस यहाँ पे इतना स्ट्रांग बन गया था कि मुझे सर यहाँ से जाने के बाद कभी भी कठिनाई नहीं हुई। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक शेर इसमें कहना चाहूँगा, और वो शेर ये है, गुलाब ऐसे नहीं गुलाब होता है, गुलाब ऐसे थोड़ी गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पर चलने के बाद आती है। बात बताओ, ये जिम को मेरी और आपको मेरी याद आती है कभी? बहुत याद आती है, हैं? बहुत याद आती है, सच में बहुत याद आती है। हाँ आई एम श्योर आती होगी, क्योंकि देखो मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, मैं ऑफकोर्स अब काम है, हाँ, बिजी, एक्सरसाइज भी है, हम अब कितने भी बिजी हो जाते जीवन में, बट आई थिंक आप कितने भी बिजी हो जाओ आपको कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी नहीं भूलती। तो मैं तो आपको याद करता हूँ सर, और बस फिर एक मन में सोचता हूँ कि क्या सर मेरे लिए दुआ करते होंगे अभी भी? हाँ बिल्कुल, मुस्तकिल दुआ करता हूँ। हाँ जी, वो जब अब से 5-6 महीने पहले की बात है, 7 महीने हो गए होंगे, ईद से पहले की बात है। हाँ जी, रोज़े चल रहे थे उस वक्त, तो मेरे जहन में आया कि ये बच्चा कंपटीशन में जाएगा, बस ऊपर वाला ऐसी मान सम्मान दे कि लोग है ना रश करें कि भाई हमारा बेटा भी ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो और वो मालिक ने तुम्हें दिया, और तुम एशिया का गोल्ड भी जीता, उसके साथ ओवरऑल भी बने। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ, आप आपका अभी ये इंडिया का यूट्यूब चैनल नंबर 1 हुआ है। हाँ, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल बने आपका। तो बस सर आप इसी तरह दुआएं रखो और ऊपर अपना आशीर्वाद रखो, मैं कुछ ना कुछ और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। एक बात बस मैं कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ, जिधर से तेज हवाओं का आना जाना हो, जिधर से तेज हवाओं का आना जाना हो, नतीजा कुछ भी हो, दिया वहीं पर ही हमें जलाना है। मुशक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, उससे घबराना नहीं है, बढ़ना है आगे। दिया जलाने का प्रयास मैं करता रहूंगा सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड। थैंक यू, गुड। और जिम टाइमिंग तो थे जिम के, बट लेट्स से अगर तुम किसी वजह से लेट हो गए हो, आज जिम के टाइमिंग पे नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, जिम तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए कि चाबी हमेशा यहाँ होती थी। इज्जत से खोलो, और जिस जो काम करने आए हो वो काम करो। तो ऐसे भी जिम कम ही मिलते हैं जहाँ पे तुम खुद खोल के वर्कआउट कर सकते हो। ताले को बाइज्जत रखो एंड एंजॉय योर वर्कआउट। इतने लोगों से मिलता हूँ, पर ये जो एनर्जी है ना सहारनपुर की, यहाँ दिल में लगती है, दिल में। जिस यतेंद्र सिंह को आप आज यहाँ देख रहे हो ये चमकीली टी शर्ट पहनते हुए, बट उसने अपनी जीवन की पहली कॉम्पिटिशन इसी स्टेज पे खेली थी। आप में से कितने लोगों ने संकल्प सीरीज देखी या नहीं देखी यूट्यूब में? जाके देखो। जो यहाँ पीछे एथलीट खड़े हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा, संकल्प जब ले लिया है तुमने तो डरता है क्यों? संकल्प जब ले लिया है तुमने तो डरता है क्यों? गिरेगा संभलेगा, बढ़ेगा फिर गिरेगा और फिर चलेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी,
हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। देसी देसी ना बोले अगर छोरी रे, कैसा था? बहुत अच्छा। सो इवेंट में जितने भी लोग आए थे, थैंक यू सो मच। और सहारनपुर से हमेशा ही प्यार मिलता है, बहुत ही एक्साइटमेंट था इवेंट में। एंड एक सेकंड, समय देखो, 3:13 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। टू टायरिंग, थकान, बट अच्छा था पूरा दिन। वो जिम में एक्सरसाइज करना, उन्हीं मशीनों को यूज़ करना जिनको मैं अपने स्टार्टिंग डेज में यूज़ कर रहा था, और असद भाई से मिलना, एंड फिर सरप्राइजिंगली इवेंट में जाना। तो वैसे तो पूरा दिन एनर्जेटिक था, बट ऑफ कोर्स मतलब अब नींद आ रही है, बट नींद आए या ना आए, वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग देख के बताओ, ये वीडियो कैसी लगी। और इस तरह का कंटेंट जो है पहले चैनल पे नहीं बनता था, बट अभी बनने लगा है रिसेंटली। उसका बनाने का वजह है कि जो हम कंटेंट बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट होता है, उसके साथ साथ मैं अपने लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे एक्चुअली दिल के क्लोज़ है, वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करता रहता हूँ थ्रू दिस व्लॉगिंग। बट दिस व्लॉग इज़ ऑलवेज अबाउट मोटिवेशन, एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल दैट एनीबडी कैन डू। तो बस यही पर्पस है आज की वीडियो का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। मैं आपके समक्ष कुछ ना कुछ कॉन्टेंट यूज़फुल लेके आता रहूँगा। अपना ध्यान रखो और खुश रहो। अब बस 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, अब बेड दिख रहा है। See you, bye, take care.